अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान सिद्दीकी है और मैंने 2014 में डॉक्टर अमीन से जो है ई कैट की जो है तैयारी की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र सर ने जो है काफ़ी अच्छा जो है हम लोगों की जो है हेल्प की सारी चीज़ों में, और मैंने अपना टेस्ट क्लियर करने के बाद ई कैट का मैंने जो है एक्चुअल साइंस रिस्क मैनेजमेंट जो है में जो है एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी से। वहाँ पर 4 साल मैंने बैचलर्स किया अपना। बैचलर्स के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी फील्ड में ही जो है जॉब लग गई। तकाफुल पाकिस्तान में मैंने जॉब की, उसके बाद जो है एक्चुअल फर्म में इसके अलावा जो है मैंने जॉब की। उसके बाद कुछ अर्सा जॉब करने के बाद मैंने अपनी फील्ड स्विच की। मुझे एक अच्छी कंपनी से जो है ऑफ़र आई थी, एबर्ट लेबॉर्टरी से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वहाँ पर 3 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद मेरा माइंड जो है कुछ फार्मा की तरफ हो गया। फिर उस इंटर्नशिप के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक स्क्वायर फार्मा वहाँ पर जो है वहाँ से ऑफ़र आई सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में। फिर मैं थोड़ा सा मूव हो गया सप्लाई चेन की तरफ। सप्लाई चेन में तकरीबन अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वायर फार्मा इनके 2 यूनिट हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल और एक फार्मास्यूटिकल। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों यूनिट जो है वहाँ पर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है मैं देख रहा हूँ, और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो चुका है, सीनियर प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। और इसके साथ साथ मुझे जो है अभी CSS की प्रिपरेशन करनी है, आगे मुझे CSS देने का इरादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं दोबारा सर अमीन के पास आया हूँ और फिर अपनी जो है CSS की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे बहुत फ़ख्र है कि सर अमीन से दोबारा जो है मैं सब चीज़ों के बारे में हेल्प ले रहा हूँ। और बस आपसे अपना एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा शेयर करना था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज खलीक है। मैंने सर से एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी थी और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। मैंने सर सेकेट का टेस्ट दिया था, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा सर ने मुझे पढ़ाया है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम मेरा वो आया था, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ तकरीबन मुझे कवर करा दी थी। अभी मेरी रिसेंट में मेरी बहन भी सर से पढ़ रही है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ 2018 बैच का, और इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सर ने जैसा जैसा हमें बताया था हम वैसे ही करते गए, तो टेस्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मौजूद यहाँ पर आए हैं। और सर का जो ऑनलाइन सिस्टम है वो बाकी टीचर से बहुत मुख्तलिफ है। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो चल रही है, सर हर चीज़ सॉल्व कराते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और ख़ासतौर पर सर से यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ थोड़ा बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। सर पढ़ाई बहुत अच्छी है, अगर कोई ये सोचता है कि प्राइवेट आ रहा है तो ऐसा नहीं है सर, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और हर चीज़ कवर कराते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल वहाँ जाइए और फील्ड लीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप कोई बड़ी ज़बरदस्त इजाद करेंगे अपने मुल्क के लिए। थैंक्स अ लॉट।